मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, इन राज्यों में भारी बारिश के कारण स्कूल बंद। भारत में मौसम की आगमिचौली जारी है। उत्तर भारत में जहां ठंडक ने दस्तक दे दी है, कई प्रदेशों में अब धुंध ने पहरा डाल दिया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में धुंध के साथ ठंडक शुरू हो गई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी भी संभावना बढ़ गई है। दक्षिण भारत में बारिश का तांडव जारी, तमिलनाडु के 3 जिलों में भारी बारिश के कारण स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। कराईकल के जिला कलेक्टर ए कोलोथंगन ने सभी स्कूलों में बारिश की छुट्टी घोषित कर दी है। इसके साथ ही तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी और तेनकासी में भी स्कूल बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि तमिलनाडु के पांडिचेरी कराईकल में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तमिलनाडु के 10 से अधिक जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं उत्तरी हवाओं की रफ्तार में तीव्रता आने से आगामी दिनों में सुबह रात के तापमान में कमी आने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान मिथिली और उत्तर भारत में तेजी से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से फिलहाल मौसम इसी तरह का बना रहेगा। एमपी मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान के आसपास बने पश्चिमी विक्षोभ से आज उत्तर भारत में आगे बढ़ने की हवाओं का रुख उत्तरी होने से बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को तापमान में कुछ गिरावट होने के आसार हैं। वहीं 24 नवंबर को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में सक्रिय होने जा रहा है। एक तरफ रेखा कैमरून क्षेत्र से आंध्र प्रदेश के तट के पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। पाकिस्तान की ऊपरी भागों में ताजा पश्चिमी विक्षोभ देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर मानसून तमिलनाडु के और केरल में सक्रिय रहा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी तट पर मध्यम से भारी बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तटीय उड़ीसा में हल्की बारिश हुई। असम और सिक्किम में छिटपुट बारिश देखने को मिली। दिल्ली और एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में रहा। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। लक्षद्वीप और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश संभव है। गोवा, दक्षिणी कोंकण और गोवा के साथ साथ दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की बारिश संभव है। पश्चिमी हिमालय पर छिटपुट हल्की बारिश संभव है। इन राज्यों में भी बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग की माने तो महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, तटीय कोंकण क्षेत्र, गोवा में 23 नवंबर से 27 नवंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तेज पूर्वी लहरों के चलते मौसम में ये बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही पुणे में 24 से 27 नवंबर के बीच गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। देश के निचले इलाकों को छोड़कर लगभग पूरे देश में मौसम शुष्क बना हुआ है। हालांकि एक दिन बाद ताजा पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिससे मौसम में तब्दील देखने को मिलेगी। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मौसम की ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।